नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आखिरकार आपका भाग्य उदय कब होगा? हमारे जीवन में जितनी सारी परेशानी बाधाएं चल रही है, कब खत्म होने वाली है? हम बहुत प्रयास बहुत बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई हमें सकारात्मक फ़ायदा नहीं मिलता है। तो कोई ऐसा तरीका बताए, कुछ ऐसी बातें बताएं या कुछ चीज़ें बताएं हमारे बारे में, हमारी राशि के बारे में, कि जिससे कि हमें बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएँ। देखिए, आपकी राशि के साथ समस्याएँ बहुत सारी है, उन समस्याओं पर हम और कभी बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से जो समस्या शुरू होती है नकारात्मक मूवमेंट की, कि जीवन में जितनी भी चीज़ें बेहतर भी चल रही है तो उन बेहतर की तरफ कम और नकारात्मक मूवमेंट की तरफ ज़्यादा देखते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मानवीय स्वभाव है, लेकिन आपके साथ यह चीज़ें बहुत बढ़ चढ़ कर आती है। आप अपनी उस नकारात्मकता के ओहरे से खुद को बाहर निकालें। आप खुद को जो बहुत नकारात्मक समझते हैं, खुद को बहुत तुच्छ समझते हैं, खुद को योग्यताओं पर शक करते हैं, इन्हें करना बंद करें। खुद को मत समझे, खुद को दीनहीन ना समझे, और खुद को जो आप बहुत ज़्यादा दिमाग में एक नेगेटिविटी खुद के लिए आपने भर के रखी है, प्लीज़ आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये जितनी सारी चीज़ें आपके साथ आप फेस कर रहे हैं, यही जो है राहु का मायाजाल होता है, और इसमें जो व्यक्ति फंस चुका है उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इस तरह की नेगेटिविटी से बाहर आए, खुद के 5 पॉजिटिव जो चीज़ें आपके अंदर हैं उन पर फोकस करें और उन पर थोड़ा ध्यान दें, बस आप धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें आपके भाग्य में आपके पक्ष में आएगी, क्योंकि हमेशा भाग्य आपका अवसर देता है। ऐसा नहीं कि भाग्य आपका अवसर नहीं दे रहा है, रिसेंटली 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपको भाग्य हमेशा अवसर देता है, लेकिन आप अपनी नकारात्मकता, अपने आप पर शक करना, अपनी योग्यताओं पर शक करना, इन सभी चीज़ों से आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर आपकी राशि के जातकों से विनती है कि जो मैं कह रहा हूँ इसे सिर्फ आप कुछ दिनों के लिए फॉलो करें, आपको बहुत सकारात्मक फ़ायदा मिलेगा। अपना गुरु मंत्र का जप करें, नहीं है कोई गुरु मंत्र तो नमः शिवाय मंत्र का जप करें, उससे भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमः शिवाय।